हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो का। ये LXi वेरिएंट है, तो इसी का रिव्यू करेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि LXi का रिव्यू कीजिए, ये LXi ऑप्शनल गाड़ी है, तो इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। जानेंगे इसके फीचर्स और प्राइस के बारे में। इसमें आपको फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ में इंडिकेटर, और बम्पर पूरा ब्लैक ही दिया गया है। फ्रंट बम्पर आपको इसमें ब्लैक मिलेगा और एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। देखिए, बम्पर इसमें पूरा ब्लैक मिलता है। LXi गाड़ी लेते हैं तो और बात करेंगे अब वीलो की। तो इसमें आपको C8 के टायर दिए गए हैं और वीलो का साइज़ जो देख लेते हैं, तो इसमें आपको 13 इंचिस के व्हील दिए गए हैं। इसमें आपको 13 इंचिस के व्हील मिलते हैं स्टील व्हील के साथ, और VXi में आपको 14 इंचिस के व्हील मिलते हैं अगर आप VXi या VXi प्लस लेते हैं। फेंडर पे इसके इंडिकेटर दिए गए हैं, देखिए। और ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की। साइड प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं इसके लेंथ की, तो 3565 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1520 mm की, हाइट है 1549 mm की, और व्हील बेस है इसका 2380 mm का इसका व्हील बेस है। और जैसा कि 5 पैसेंजर कैपेसिटी है ये इस गाड़ी में आपको मिलेगी, और 13 इंचिस के टायर हैं इसमें जैसा कि, तो इसमें आपको 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। अगर आप तो जो 14 इंचिस के व्हील लेते हैं VXi, तो आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। ग्रॉस वेट है इसका 1170 kg का। टर्निंग रेडियस है 4.5 मीटर का टर्निंग रेडियस है। बात करेंगे कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है गाड़ी, जिसमें कि पहला है ब्लू, दूसरा ऑरेंज, तीसरा है सिल्की सिल्वर, चौथा है ग्रे। जो कलर आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर है गाड़ी का, और पांचवा है वाइट, और छठा है रेड। तो ये 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है गाड़ी। और वेरियंट तो आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड, LXi, VXi, VXi प्लस वेरिएंट आते हैं। ऑप्शनल में भी अवेलेबल है, अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ऑप्शनल गाड़ी लेते हैं तो। और ये BS6 कंप्लाइंट है, और जिसमें कि आपके हार्टेक प्लेटफॉर्म पे आई है ये गाड़ी 5th जनरेशन में। और बात करेंगे सस्पेंशनों की, फ्रंट सस्पेंशन मैक फॉर्सन स्टड विथ कॉइल स्प्रिंग टाइप दिए गए हैं, रियर सस्पेंशन टोरिजन बिम विथ कॉइल स्प्रिंग टाइप दिए गए हैं रियर सस्पेंशन। बात करेंगे प्राइस की, तो इसका स्टार्टिंग प्राइस है 3,69,000 से लेके 4,91,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है न्यू दिल्ली का। तो अपने प्राइस भी जान लिया। बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग दिए गए हैं ABS विथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और कीलेस एंट्री इसमें नहीं मिलेगी आपको, LXi गाड़ी है। रियर के डोरों में आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है, और इसमें आपको प्रीटेंशनल फोर्स लिमिटर भी दिया गया है। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं LXi गाड़ी लेते हैं तो। और साइड मिरर आपको ब्लैक ही दिए गए हैं, डोर हैंडल भी आपको ब्लैक ही मिलेंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 27 लीटर की दी गई है, यानी 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी आपको इसमें। और ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की, रियर प्रोफाइल से भी बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है इसमें, और s-presso की बैजिंग दी गई है, s का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, साथ में रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे, देखिए दो ही आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं इसमें। रियर का बम्पर भी आपको पूरा ब्लैक ही दिया गया है, बॉडी कलर नहीं मिलेगा। बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं। बैक डोर खोलने का ऑप्शन राइट साइड दिया गया है लीवर, फ्यूल डोर और बैक डोर खोलने का, तो हम बैक डोर खोल लेंगे। बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। देखिए, इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलती, और यहाँ पर आपको ट्रिम भी नहीं दी गई है। ये शॉकर दिए गए हैं इसके नीचे, लेकिन इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है, इसमें आपको ट्रिम भी नहीं दी गई है कवर करने के लिए। ये आपका स्पेयर व्हील है, स्टील व्हील मिलेगा आपको, C8 के टायर हैं, 13 इंचिस का दिया गया है स्पेयर व्हील, आपको देख ही रहे हैं, स्टील व्हील मिलता है आपको। और ये सीटें फोल्ड कर सकते हैं आप, रियर की सीटें फोल्डेबल हैं, 60-40 स्प्लिट दी गई है,
एलेक्साई वेरिएंट में भी आपको दी गई है। देखिए फोल्ड करने के बाद बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको मिल पाएगा। तो इसमें आपको बूट स्पेस से 270 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको इस गाड़ी में, 270 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में। तो इसमें आपको ये वाला डोर मैनुअल दिया गया है, कोई स्पीकर नहीं मिलेगा आपको इसमें। टूल किट है आपकी गाड़ी की, टूल किट दी गई है और फिक्स्ड एड्रेस दिए गए हैं इसमें भी आपको। देखिए एड्रेस आपको फिक्स मिलते हैं इसके सभी वेरिएंट में, कोई भी वेरिएंट लेते हैं तो फिक्स्ड एड्रेस मिलेंगे। और इसमें आपको डोल टोन में दी गई है अपोस्ट्री, ये वाला डोर भी आपको मैनुअल ही दिया गया है। तो रियर के दोनों ही डोर आपको मैनुअल मिलते हैं इसका, किसी भी वेरिएंट में, सभी वेरिएंट में आपको मैनुअल मिलेंगे रियर के दोनों डोर। और ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं लेफ्ट राइट में, और फ्रंट सीटों के हेड भी आपको फिक्स्ड दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, ये देखिए रियर पैसेंजर के लिए 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं आप इसमें आसानी से। और लेग रूम तो बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का, जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ। कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में? तो ये एलेक्साई गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक देख रहे हैं आप, ऑल ब्लैक दिया गया है। चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में, और फ्रंट डोर के इंटीरियर में देखते हैं, ये वाला डोर भी आपको मैनुअल ही दिया गया है। देखिए ये वाला डोर आपको पावर विंडो नहीं मिलेगा, एलेक्साई गाड़ी है, बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकरों की जगह दी गई है, स्पीकर नहीं है इसके अंदर। साइड मिरर को एडजस्ट करने के लिए कोई नोब नहीं दी गई है, तो आपको बाहर से ही मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा साइड मिरर को। और ये ड्राइवर सीट है जो कि बैक एडजस्ट मिलता है आपको, हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगी ड्राइवर सीट। और राइट साइड में आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे कोई स्विचेस वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है, कॉइन रख सकते हैं। और ये आपको हेडलाइट लेवलिंग के स्विच दिया गया है जो कि मैनुअली आप हेडलाइट को लेवलिंग करेंगे। ये आपको बिल्कुल नॉर्मल की दी गई है जो कि आपको ईको में मिलती है देखने को, वही की दी गई है, रिमोट की नहीं मिलेगी आपको इसमें। देखिए तो आपको इसमें कीलेस एंट्री नहीं मिलती। बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील जो दिया गया है इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें, और SRS एयरबैग भी दिया गया है 3 स्पोक व्हील के साथ। राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। MID देख लेते हैं, तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कुछ ऐसी मिलेगी देखने को। सीट बेल्ट वार्निंग लाइट भी आपको इसमें दी गई है देखिए, और स्पीडोमीटर आपको डिजिटली दिया गया है, फुल्ली फ्यूल शो करेगा इसमें आपको किलोमीटर। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है इसमें, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं, हजार का स्विच यहाँ दिया गया है। AC दिया गया है इसमें, देखिए हीटर AC दोनों ही दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सॉकेट नहीं मिलेगा, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ना ही USB ऑक्स के ऑप्शन दिए गए हैं, दो कप होल्डर रखने का स्पेस। और ये आपका गियर गाड़ी है, और ये आपका हैंड ब्रेक लीवर, एक SRS एयरबैग और दिया गया है क्योंकि ये LXi ऑप्शनल गाड़ी है, तो डुअल एयरबैग मिलते हैं आपको इसमें। कुछ स्पेस भी दिया गया है, टोटल 4 AC वेंट दिए गए हैं इसमें। और यहाँ पे भी आपको ग्लो बॉक्स 2 स्पेस मिलते हैं आपको, ग्लो बॉक्स और अपर साइड डैशबोर्ड के, तो अच्छा खासा स्पेस है। और ये डोर ट्रिम भी आपको मैनुअली ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे आपको स्पीकर नहीं दिया गया है, जगह दी गई है स्पीकर की, फ्रंट में सनवाइज़र। और ये आपका रीडिंग लैंप IRVM जो है आपको बिल्कुल नॉर्मल दिया गया है, को ड्राइवर साइड सनवाइज़र और साथ में ही ग्रिप असिस्टेंट। चलते हैं इंजन रूम में, हुड खोल लेते हैं। हुड खोलने का ऑप्शन ड्राइवर साइड ही मिलेगा, ये यहाँ पे आपको लीवर दिया गया है हुड खोलने के लिए। तो हुड के इनसाइड कोई कवर नहीं मिलेगा आपको देखने को इसके सभी वेरिएंट में। और ये आपको ABS दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम इंजन रूम में ही दिया गया है इसका। और ये बात करेंगे इंजन CC की, तो इसमें आपको 998 CC का इंजन दिया गया है, 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा आपको, K-सीरीज इंजन दिया गया है इसमें 998 CC का इंजन। और बात करेंगे माइलेज की, तो आपको 21.7 KMPL की माइलेज मिलती है आपको इस गाड़ी में। और बात करें थे पावर की, तो इसमें आपको 67 BHP की पावर मिलेगी 5500 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 90 Nm की टॉर्क मिलेगी 3500 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू।
मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो LXi ऑप्शनल वेरिएंट का ये रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।